क्षेत्र ये बने नहीं बने किसी का व्यक्तिगत हमारा नुकसान नहीं है, लेकिन इस शहर का नमक खाया है तो इस शहर का भविष्य उजागर हो ये देखने की जवाबदारी हमें लगता है हमारी, इसलिए हम सड़कों पे आपके साथ में आए। लेकिन ये लड़ाई आम आदमी की लड़ाई है, वर्तमान की लड़ाई नहीं है, कल की लड़ाई है, भविष्य की लड़ाई है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चे आपके परिवार आपके साथ ही रहे, मीरा भाईंदर छोड़ के ना जाए, तो फिर आपको ये लड़ाई में साथ देना होगा, केवल आज नहीं अंत तक। और हमें तो ये निर्णय लिया है हमने तो कि हाथ जोड़ना हुआ हाथ जोड़ेंगे, जब लात मारनी है वहां लात मारेंगे, लेकिन न्याय तो हम लेके रहेंगे। पिछले कई दिनों से मीरा भाईंदर में नए डीपी प्लान को लेकर जैसे बवाल सा मचा है, सारी पार्टियों के नेता एक साथ मैदान में आ गए हैं इस डीपी प्लान को बदलाने के लिए। आज पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने नए डीपी प्लान के विरुद्ध में भाजपा की जन आक्रोश रैली निकाली और नगर पालिका आयुक्त दिलीप ढोले को इसे रद्द करने का ज्ञापन सौंपा है। अब देखना यह है कि नगर पालिका आयुक्त इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई करते हैं। मीरा भाईंदर शहर के 18 अवैध सीमेंट मिक्सर प्लांट से उड़ने वाली धूल की चपेट में लोग आ रहे हैं। इस संबंध में नागरिकों द्वारा आवाज उठाने के बावजूद संयंत्र मालिकों के निकट संपर्क में रहने वाली नगर पालिका और प्रशासन खामोश है। ये प्लांट 24 घंटे चलता है और इसके शोर से रहवासियों को काफी परेशानी हो रही है। बजरी सीमेंट धुएं के कारण कई लोगों की आंखों में जलन, खांसी और सांस की बीमारी भी उसमें हो गई है। इसलिए ग्रामीणों ने जल्द से जल्द इस समस्या को निजात दिलाने की मांग की है। मीरा भाईंदर शहर में काशी मीरा में ये सारे प्लांट है। इस संयंत्र में सामग्री शहर के बाहर पहुंचाई जाती है, इसलिए मीरा भाईंदर के बीच बड़ी संख्या में वाहन आते हैं। भारी वाहन का आवागमन बढ़ गया है। इन वाहनों से सीमेंट मिश्रित सामग्री सड़क पर फैल जाती है। इस वजह से कारों के एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और हादसों में इजाफा हो रहा है। कई अब तक जान गंवा चुके हैं। भारी ट्रैफिक की वजह से शहर की सड़कें सचमुच रुक सी जाती हैं। पेनकरपाड़ा, मोरा गांव और गुड़बंदर को इको सेंसिटिव जोन के रूप में जाना जाता है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इस इलाके में बड़ी संख्या में अवैध सीमेंट मिक्सर प्लांट लगाए जा रहे हैं। काशी मीरा, गुड़बंदर, पेनकरपाड़ा, मीरा रोड में RMC प्लांट के व्यवसाय के लिए नगर पालिका द्वारा अनंतिम अनुमति दी गई थी। 18 RMC संयंत्रों की अनुमति अवधि समाप्त हो चुकी है। पिछले 10 वर्षों की अनुमति अवधि समाप्त होने के बाद भी कुछ संयंत्र मालिकों ने संयंत्र का संचालन जारी रखा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मजबूत गढ़ कही जाने वाली मीरा भाईंदर महानगर पालिका के उपचुनाव की घोषणा भले ही न की गई हो, परंतु BJP ने अपनी तैयारियों को असली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। मीरा भाईंदर BJP भले ही गुटबाजी के चलते अलग अलग खेमों में दिखाई दे रही है, परंतु समय बीतने के साथ साथ उसके संगठन की ताकत परिलक्षित होने लगती है। राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी और उनकी ताकत को बढ़ाने की दिशा में जिला अध्यक्ष रवि व्यास ने महिला मोर्चा के कार्यालयों का शुभारंभ कर दिया है। मीरा भाईंदर शहर में ऐसे कुल 53 कार्यालयों को खोलने की योजना बनाई जा चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद सदस्य तथा गट नेता प्रवीण दरेकर ने कल जैसल पार्क में महिला मोर्चा की भाईंदर पूर्व मंडल अध्यक्ष शिखा अभिषेक भटेवड़ा तथा SV रोड में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष संदीप अग्रवाल के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने मीरा भाईंदर शहर में लगातार बढ़ रही BJP की ताकत के लिए जिला अध्यक्ष रवि व्यास के कुशल नेतृत्व की सराहना की है। इस अवसर पर बोलते हुए व्यास ने कहा कि अब की बार हम 80 से ज्यादा सीटें मीरा भाईंदर में लेके आएंगे। बीजेपी के समर्थकों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के आशीर्वाद और मेहनत से यह आंकड़ा 100 भी हो सकता है। इस तरह का उन्होंने दावा किया है।